Hey guys, welcome to my new vlog. तो आज सभी हम आज महाशिवरात्रि है तो उसके लिए हम रेडी हो गए हैं और अभी पूजा करने के लिए जाएंगे. तो आप लोग को सोचेंगे क्यों ना एक आज छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि हम बहुत दिनों से ब्लॉग बना नहीं पा रहे थे पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में. तो आज सोचे कि आज चलो टाइम निकाल लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं. तो चलिए आपको दिखाते हैं. तो गाइस आप देख सकते हो इधर मेरी मम्मी घर पे पूजा कर रही है, क्योंकि सबसे पहले घर पे पूजा किया जाता है, उसके बाद हम लोग फिर मंदिर चले जाते हैं और यहाँ आने के बाद थोड़ी फूल माला भी खरीद लेते हैं जो कि मंदिर के बाहर ही मिल रहा था. और फिर जब अंदर गए तो देखे पंडित जी वहाँ पर टीका चंदन लगा रहे हैं, तो सोचे चलो हम भी लगवा ही लेते हैं. और जब हम टीका लगवाएं तो उसके बाद इतना ज़्यादा ठंडक, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, आपको हम क्या ही बताएं, स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी गाइज. मेरी बात मेरी मम्मी ने भी टीका चंदन लगवा ही लिया, आप देख सकते हो. और गाइज आप अंदर देख सकते हो अंदर कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए थे मंदिर में पूजा करने के लिए. अब आप शाम का नज़ारा देख सकते हो, इधर बहुत सारी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं. और आप इधर का भी नज़ारा देख सकते हो, इधर कितना ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है. और भीड़ को तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, कितनी सारी औरतें, कितने सारे बच्चे, कितने आदमी, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं. और इधर अंदर में प्रसाद वितरण हो रहा था, लेकिन आज मेरा फास्टिंग था तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया. और आप इधर देख सकते हो जिन लोगों ने फास्टिंग नहीं रखा था वो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे. और इधर भगवान शिव और माता पार्वती के लिए शादी का गीत भी गाया जा रहा था. ये कोयरी वाड़ी का नज़ारा है, आप इधर का भी नज़ारा देख सकते हो, कितनी सुंदर से सजाया हुआ है. और इधर सामने जो आप मंडप देख रहे हो, जिधर लोग जा रहे हैं वहीं भगवान की शादी होनी है. आप इधर का नज़ारा देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग वीडियोज भी बना रहे थे क्योंकि सारे लोग इस मोमेंट को कैप्चर कर लेना चाहते थे. यहाँ पर माता पार्वती भगवान शिव का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि यहीं पर उनकी शादी होनी है. और इधर औरतें गीत गा रही हैं. इसके बाद हम अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि शादी होने में अभी बहुत टाइम था और आज मेरा फास्टिंग भी था. तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे. तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और हर हर महादेव लिखना मत भूलना.